कलर्स के शो नागिन में अब तक टीवी के कई एक्टर काम कर चुके हैं, पर नागिन 3 के एक्टर पर्ल भी पुरी की बात ही कुछ और है, जिन्होंने उस सीजन में नागिन बेला के पति माहिर का किरदार निभाकर दर्शकों से खूब तारीफें हासिल की और अपने इस किरदार के साथ दर्शकों के फेवरेट एक्टर बनकर उभरे। साथ ही साथ टीवी इंडस्ट्री के एक नामी एक्टर बन गए। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज टीवी के नामी एक्टर बन चुके पर्ल वी पुरी के जीवन में एक दौर ऐसा आया जब इनका सफलता से भरा करियर बर्बाद होने वाला था, और वो भी इनकी एक गलती की वजह से। ये अपने करियर में एक से बढ़कर एक सफलता हासिल करते जा रहे थे, पर तभी इन्होंने एक गलती कर दी जिसकी वजह से इनका सफलता भरा करियर बर्बादी की राह पर पहुँच गया। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको इनकी उसी गलती के बारे में बताने वाले हैं जिसकी वजह से इनका करियर बर्बाद होते होते बचा। तो अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं तो बस बने रहें वीडियो के अंत तक, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। टीवी के मशहूर अभिनेता बने पर्ल वी पुरी ने अपने करियर की शुरुआत में कई हिट शो देकर अपने करियर को खूब सफल बनाया है, पर इन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर खुद ही अपने सफलता भरे करियर को बर्बादी की राह पर पहुँचा दिया था। इन्होंने अपने सफलता भरे करियर के दौरान एक बड़ी गलती कर दी थी जिससे कि इनका करियर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था। इनकी वो गलती ये थी कि इन्होंने एक फ्लॉप शो साइन कर लिया जिसका नाम था बदतमीज दिल। इन्होंने इस शो को बिना सोचे समझे साइन कर लिया, यहाँ तक इस शो की इन्होंने कहानी भी नहीं पढ़ी, जिसका खामियाजा इन्हें जल्द ही भुगतना पड़ा। स्टार प्लस पर प्रसारित हुआ इनका ये शो दर्शकों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसके चलते इनका ये शो एक बड़ा फ्लॉप शो साबित हुआ और रिलीज के करीब 4 महीने बाद ही बंद हो गया। इनके इस शो के फ्लॉप हो जाने की वजह इनके करियर पर इस फ्लॉप शो का धब्बा लग गया, जिसकी वजह से इन्हें करीब 2 से 3 सालों तक किसी भी शो में काम करने का मौका नहीं मिला। इसके चलते इनका करियर धीरे धीरे बर्बादी की राह पर चल पड़ा। इस तरह से शो बदतमीज दिल साइन करना इनके करियर की सबसे बड़ी भूल साबित हुई, जिससे कि इनका करियर बर्बाद ही होने वाला था। पर भगवान नहीं चाहते थे कि इतने अच्छे एक्टर का करियर बर्बाद हो, इसलिए उन्होंने एकता कपूर को इनकी जिंदगी में एक फरिश्ते की तरह भेजा नागिन 3 में काम करने के ऑफर के साथ। और भगवान के ऐसे इशारों को इन्होंने बखूबी समझा और इस शो में काम करने के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, और नागिन के सीजन 3 में माहिर का लीड रोल निभाकर इन्होंने अपना खोया हुआ फेम वापस पा लिया। इस तरह इनका करियर बर्बाद होने से बच गया। आपको बता दें कि इस घटना के बाद अब पर्ल वी पुरी हमेशा अपने नए शो को काफी सोच समझकर चुनते हैं, ताकि इनके एक गलत डिसीजन की वजह से इनका करियर दोबारा बर्बादी की राह पर ना पहुंच जाए। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है कि अगर पर्ल वी पुरी को नागिन सीजन में काम करने का मौका नहीं मिलता तो क्या इनका करियर बर्बाद हो जाता? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।